नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती है, चाहे वो भर्तियों की कोई नोटिस हो या भर्तियों संबंधित कोई नोटिफिकेशन हो या सरकार का कोई शासनादेश या नियमावली हो या हाईकोर्ट का भर्तियों संबंधित कोई ऑर्डर हो। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि यूपी ट्रिपलएससी ने नोटिस जारी कर दी है। यूपी ट्रिपलएससी चुनावी मोड में दिखने लगा है। अभी हाल ही में यूपी ट्रिपलएससी की परीक्षा हुई। यूपी ट्रिपलएससी पीईटी का जो है रिजल्ट जारी हो गया। यूपी ट्रिपलएससी लोअर मेंस की परीक्षा भी हो गई और स्टेनो का जो विभाग आवंटन है वो भी जारी कर दिया गया है। जानकारी तो निकल करके आ रही है कि नवंबर के महीने में कम से कम 3 पिछली भर्तियों के जो परिणाम है वो जारी हो सकते हैं। उसी क्रम में आज फिर से एक नोटिस जारी हुई है यूपी ट्रिपलएससी की और आइए हम लोग सीधे नोटिस को देखते हैं। ये यूपी ट्रिपलएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देखिए। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2019 सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सम्मान चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 लिखित परीक्षा मुख्य परीक्षा, जो लोअर मेंस की मैं अभी बात कर रहा था 21 तारीख को जो हुई थी उसके बारे में ये नोटिस है। ये देखिए ये लिखा हुआ है 1 नवंबर यानी आज की तारीख है। विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2019। अमूमन यूपी ट्रिपलएससी की नोटिस का विद्यार्थियों को इंतजार रहता है और कम से कम एक महीने में कोई ना कोई नोटिस जारी हुआ करती थी और अब हर हफ्ते कोई ना कोई जो नोटिस है वो जारी हो रही है। और यहाँ पर ये जो नोटिस है वो जो लोअर की परीक्षा हुई थी उसकी आंसर की के बारे में है। यहाँ पर लिखा कि जो परीक्षा 21 अक्टूबर को 2 पालियों में हुई थी उसकी 8 सीरीज ए बी सी डी ई एफ जी एच और द्वितीय पाली की उत्तर पुस्तिकाओं की 8 सीरीज ए बी सी डी ई एफ जी एच से संबंधित उत्तर कुंजी अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, जो 7 नवंबर तक दृष्टव्य रहेगी। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा जारी की गई उत्तर कुंजी में यदि कोई विसंगति प्रतीत होती है तो आयोग की वेबसाइट यानी कि upssc.gov.in पर दिए गए ऑब्जेक्शन राइज में संबंधित लिंक पर क्लिक करके वांछित विवरण भर करके लॉगिन करने के उपरांत अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से यथा डाक प्रत्यावेदन द्वारा उत्तर कुंजी के संबंध में दी गई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्ति दर्ज करने की जो अंतिम डेट है वो है 7 नवंबर 2021। उक्त तिथि के बाद यह लिंक स्वतः हट जाएगा और आपत्ति दर्ज करने की सुविधा स्वतः समाप्त हो जाएगी। उप सचिव और यहाँ पर डेट पड़ी हुई है 1 नवंबर। तो विद्यार्थी सभी लोग अपना अपना जो है आंसर की मिला लें, अपनी ओएमआर मिला लें, उसके बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि विद्यार्थियों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ताकि एक एग्जैक्ट कट ऑफ का भी अनुमान लगाया जा सके। वैसे जो मैंने कट ऑफ बताई थी आप लोगों को कि 290 से 300 के बीच में जिन विद्यार्थियों के नंबर बन रहे हैं निगेटिव मार्किंग को हटा करके, उनका जो चयन है इस भर्ती में हो सकता है, चाहे वो ईओ की पोस्ट हो, चाहे वो सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट हो या चकबंदी अधिकारी की पोस्ट हो। 672 पदों के लिए भर्ती निकली थी। लगभग 12,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। लगभग 85% विद्यार्थी उपस्थित थे। उम्मीद है कि आंसर की जारी होने के बाद में इन विद्यार्थियों का परिणाम भी यूपी ट्रिपलएससी जल्द जारी कर देगा और इन विद्यार्थियों को जल्द नौकरी मिल जाएगी। तो ये हो गई आज की एक बड़ी अपडेट। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।